तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम डायलॉग बॉक्स की किस तरीके से आप यूज करेंगे, इनपुट बॉक्स वगैरह के जो ये है पार्ट है मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स या फिर ब्राउज बटन वगैरह कैसे बनाएंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका यूज आगे चल के आप करेंगे कई सारे जगहों पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेज बॉक्स के बारे में। जैसे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मैक्रो रन करते समय, जब आप मैक्रो रन करते हैं तो मैक्रो रन करते समय कुछ इन्फॉर्मेशन जो है देना होता है यूजर को, तो आप जो है क्या करते हैं एमएसजी बॉक्स करते हैं और यहां पे आप अपने मैसेज को टाइप कर देते हैं। तो जब आप प्ले करते हैं तो मैसेज इस तरह से आता है। लेकिन इसके भी कुछ पार्ट है, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि अगर कोई वेरिएबल से हमने बोला डिम आर एज ए इंटीजर, आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ बुक भेजा था, आप लोगों के पास है? हाँ सर। तो अगर आप के पीसी में अभी तत्काल है तो आप उसको ओपन कर लें तो ज्यादा मेहरबानी होगी सर। मेरे पास नहीं है वो पीडीएफ। रजनीकांत विश्वास जी बोल रहे हैं? हाँ जी। रजनीकांत जी को फॉरवर्ड कर देंगे प्लीज, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूँ सर। हाँ सर अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। gupta.vishwaraj भाई थैंक्स। तो इसमें क्या होता है कि हमें मैसेज बॉक्स को, हमने अभी तक जो मैसेज बॉक्स आपको पढ़ाया तो सिंपली मैसेज देने के लिए पढ़ाया था। अब हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें पूरी डिटेलिंग के साथ उसको पढ़ा देते हैं कि किस तरह से आप इनपुट भी ले सकते हो, कंफर्मेशन वगैरह ले सकते हो मैसेज बॉक्स से। और इसकी डिटेल आज जो बुक मैंने आपको भेजी थी उस बुक के चैप्टर नंबर 12 के अंदर है, पेज नंबर मैं आपको ही बता रहा हूं। सर हेलो। हाँ सर, ये एक्सेल की 2010 वाली बुक वो इतनी है जो आपने पहले भेजी थी? हाँ वही है, 399 नंबर पेज है, कस्टम बॉक्स अल्टरनेटिव उसका हेडिंग है। तो इसी तरह से हम आपको इनपुट बॉक्स भी देते थे कि इनपुट बॉक्स में से कुछ इनपुट लेना है तो इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल होता था। जैसे कि हमने कर दिया कि आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां हम लोग जो मैसेज देना था दे देते थे। अब चलिए इनपुट बॉक्स का पहले बात जान लीजिए कि क्या क्या होता है। प्रॉम्प्ट मतलब जो मैसेज आप देना चाहते हो, जैसे मैंने लिख दिया कि प्लीज एंटर नंबर और उसके बाद होता है टाइटल जो ऊपर में आता है, जैसे ऊपर टाइटल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो टाइटल है, इस तरह का टाइटल क्या होना चाहिए। तो यहां पे हमने दिया एंटर नंबर। फिर टाइटल के बाद आता है कि डिफॉल्ट, उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो डिफॉल्ट हो गया हमारा 0। उसके बाद पोजीशंस होता है कि आप जो है, जैसे मैंने लिख दिया कि 4500 और मैंने 8000 लिख दिया। अब क्या होगा कि जब सॉरी, ये इसमें इन्वर्टर कमांड नहीं देना चाहिए था, मैं गलती से दे दिया। हाँ अब जो प्ले होगा तो देखिए मेरा इनपुट बॉक्स नीचे आया, यहाँ पे नंबर आया और यहाँ प्रॉम्प्ट आया। तो नीचे क्यों आया? नीचे आने का कारण था कि हमने पोजीशन अपने हिसाब से दिए हुए, ठीक है सर, आया समझ में? सर पोजीशन में डायमेंशन है क्या, ये 4500 और 1000 जो है? सर इसको बोलते हैं स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स।
इसकी जैसे कि इसका लैंड का कोऑर्डिनेट होता है ना लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, ऐसा ये स्क्रीन का कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब चलिए हम इनपुट बॉक्स में एक और एग्जांपल देते हैं। आई थिंक मैंने डू लूप में उसको दिया होगा तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास हमारे डेटा है मान लीजिए कोई, तो जैसे कि हमने इनपुट बॉक्स से ये देखिए हमने इनपुट बॉक्स लिया एंड ओके कर दिया, अब किसी ने नंबर डाला और किसी ने नंबर नहीं डाला, तो यहां टाइप मिसमैच और इस तरह के एरर्स आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के एरर्स ना आए, मतलब कि हम चाहते हैं कि जब तक इनपुट बॉक्स में कोई पर्टिकुलर नंबर या जो भी हम चाहते हैं वो एग्जैक्टली एंटर ना हो तब तक हम उसको बाहर नहीं निकलने देंगे, इनपुट बॉक्स को क्लोज नहीं होने देंगे। ठीक है सर, समझ में आया क्या करना है सर? तो उस केस में चलिए यहां पर हम लिखते हैं कि dim f as a string और यहां पे लिखते हैं कि do until f is not equal to blank और फिर यहां पे लिखते हैं कि f equal to प्लीज एंटर इनपुट बॉक्स देना है ना इसको इनपुट बॉक्स और यहां पे दे दिया कि प्लीज एंटर यहां पे नंबर या जो भी देना चाहते हैं टाइटल वाइटल देना चाहते हो दे दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए हेलो। अब क्या होगा कि जब तक इनपुट बॉक्स में हम कोई नंबर नहीं डालेंगे तब तक वो हटेगा ही नहीं। हाँ कोई नंबर डाल दिया या टेक्स्ट डाल दिया तो ये हटेगा। जैसे कि आप ऐसा करना चाहते हो कि जैसे आप कोई आपके सीट को एक्टिवेट करे तो पासवर्ड ले और जब तक पासवर्ड ए ना हो करेक्ट ना हो तब तक हम पासवर्ड को मतलब इसको इस्तेमाल ना कर पाए, समझ गए? क्लियर सर? क्लियर सर, कोई डाउट इसमें? ठीक है सर। अब बात आती है कि अगर बड़ा बड़ा पैराग्राफ अगर आपको इनपुट बॉक्स में शो करना है तो कैसे करें? जैसे कि मैं एक क्वेश्चन सेट बनाना चाहता हूं, यहां पे हमारे क्वेश्चन नेम हो गया, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नंबर हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, यहां पे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्यों है क्वेश्चन हो गया और यहां पे ऑप्शन ए बी और सी और यहां पे मैं इसको क्या बोलते हैं हाँ रिजल्ट रिजल्ट को रिजल्ट मान लो फिलहाल मैं दो ही क्वेश्चन है तीन चार ही क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन हमने डाल दिया कि व्हाट इज एक्सेल 2016 एक्सटेंशन, ए में है हमारा डॉट एक्सेल एस जी बी है हमारा की और नाम दे लिया था ये साल में बिल्कुल हम यहाँ पे XLS B और डॉट XLS X और रिजल्ट जो है हमारा एक आंसर ये थोड़ी आंसर दे लीजिए, ठीक है, नहीं ए नहीं लिखेंगे यहां पे लिखेंगे सी,
ऐसे ही लिखते हैं हाउ मैनी रो इन डॉट इन एक्सेल 2013 ए 65,000 ए 3,00,000 ए 20,00,000 तो इसमें हमारा ए होगा और तीसरा है विच नंबर कितना है सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ एक्सेल क्लीन रहने देते हैं ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरा मैं जैसे रन हो पॉपअप में सबसे पहले नाम पूछे वो नाम की एंट्री यहां पे कर दी जाए फिर जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा और आंसर डालेगा उसके आंसर यहाँ होना चाहिए और जैसे आंसर करेक्ट हो लास्ट में बता देना चाहिए कि हाँ कितना आंसर उसने करेक्ट दिया है। समझ में आया सर क्या करना है सर। चलिए तो सब्जेक्ट हम टेस्ट नाम से करते हैं और यहां पे करते हैं सबसे पहले कि डिम नहीं यहां पे डू हाँ ये करना पड़ेगा डिम एफ नेम होगा नेम एन एज ए स्ट्रिंग और मैं चाहता हूं कि नाम तो देना ही पड़ेगा फिर नाम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ने देंगे तो हमने एफ के अंदर में डाल दिया यहां पे कर दिया एन और यहां कर दिया एन और यहां पे हो जाएगा प्लीज एंटर नेम। श्री जी प्लीज अपना वेबकैम ऑफ कर लें ये हो गया कि अपना नाम इसने यहां पे दे दिया फिर हम यहां लिखेंगे कि रेंज एक्स एफ डी बटकॉन एक्स एफ डी वन डॉट एन एक्सएल टू लेफ्ट डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एन और साथ में हम यहां पे आर लेते हैं कि आर इक्वल टू सेम रेंज एक्स एफ डी वन इन्वर्टर को मान देना जरूरी है डॉट एंड एक्सएल टू लेफ्ट डॉट ऑफसेट और इसमें हम करते हैं ऑफसेट देने की जरूरत नहीं है डॉट कॉलम ओके। अब यहां पे हम करते हैं यहां पे आंसर के लिए भी कर देता हूं ए कॉमा ए और सेम कि डू यहां पे लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले टू से रेंज ए 65,000 डॉट एन एक्सल टू आप डॉट रो नेक्स्ट लूप नेक्स्ट हो नेक्स्ट आई होगा लूप नहीं करना हाँ उसके बाद हमें यहाँ लिखना है कि डू अंटिल ए ए इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक और ए इक्वल टू हम देते हैं इनपुट बॉक्स और प्रॉम्प्ट जो है वो होगा हमारा सेल
और सेल में हमारा रो नंबर तो पता ही है कि आई है और कॉलम नंबर टू डॉट वैल्यू। टाइटल में सेल्स आई कॉमा वन डॉट वैल्यू, लेकिन क्यू होना चाहिए तो क्यू के साथ हम कॉन्कटानेट कर देते हैं। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि इसके ऑप्शंस होने चाहिए ना, क्योंकि इंटरव्यू बॉक्स में ऑप्शन तो नहीं ना लिखा, तो यहां पे हम एक और ऑप्शंस के लिए ओ का स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं। यहां लिखते हैं कि ओ इक्वल टू यहां हो प्लीज एंटर वन ऑप्शन इन बिलो और एंड वीवी न्यू लाइन, और फिर इसके बाद एंड परसेंट करूंगा और यहां पे होगा ए के साथ ए, और इसके साथ हम देंगे सेल्स आई कॉमा कॉलम वन टू थ्री थ्री डॉट वैल्यू। ओ हाँ, इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, इसको थोड़ा सा अलग करना होगा, न्यू लाइन इकट्ठा होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे एन परसेंट वीवी न्यू टैब, टैब होगा न्यू टैब टैब, और फिर यहाँ पे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पे थ्री के जगह पे फोर हो जाएगा। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्कोर लगा के एंटर मार रहे हैं, और फिर यहाँ पे इस कर रहे हैं, ये बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री के जगह पे फोर हो जाएगा, और न्यू टैब देने का जरूरत नहीं है। ओके, इसको थोड़ा सा आप सही है। ये सारे क्वेश्चंस उठा लेगा, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो यहां ओ के साथ कंबाइन होंगे वीवी न्यू लाइन। अभी क्यों कर रहा हूं आप लोगों का दिमाग में नहीं आ रहा होगा, अभी थोड़ा दिमाग है। और यहां पे हम देते हैं एक कट करता हूं और मैं यहां लिखता हूं और यहां पे लो, और उसके बाद हम करेंगे सेल्स आई कॉमा और ये रेंज आर है ना हमारा आर डॉट वैल्यू इक्वल टू ए। अब यहां पे चलिए प्लीज एंटर नेम, मैंने लिखा पूजा, जैसे ओके प्रेस किया। अभी देखिए ऊपर क्वेश्चन हो या ना, प्लीज एंटर वन क्वेश्चन वन ऑप्शन इन द बिलो, दिख रहा है आपको। और इसमें हमने दिक्कत क्या किया कि हमारा क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए, देखिए सबसे बाद में आ रहा है, तो इसको सही कर लेते। तो वीवी न्यू लाइन हुआ ताकि लाइन टूट के नीचे आया, वीवी टैब हुआ ताकि इन दोनों के बीच में गैप आए, समझे।
सम इसकी दे दीजिए, सम एक हाँ, और फिर यहां पे हमें करना होगा ए इक्वल टू बना, अब इसमें हमें ये जो हमने यहां लिखा है, यहां पे लिखना होगा वीवी न्यू लाइन एन परसेंट ओ, अब सही आना चाहिए आंसर। तो यहां पे लिखता हूं, यहां पे मान लीजिए ओम एंड ओके, अब आ गया सर। व्हाट इज द एक्सेल ट्रांसिटिव एक्सटेंशन, हमने यहाँ पे सी डाला, ये पैटर्न तो आपके ऊपर है कि कैसे बनाएंगे, बी डाला, ए डाला, आ रहा है इसमें सर, सर समझ में आ रहा है सर, एक बार कोड को ना समझा दो सर, कोड को समझा दो सर। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ हमने पहले अंटिल लगाया ताकि वो नेम को नेम रिसीव कर सके, लेकिन नेम जरूरी है क्योंकि जिस कॉलम में वो नेम रखेगा उसके नाम के नीचे उसके आंसर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर हो गया हमारा, और आंसर के बाद अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है कि हम सबसे पहले उस सेंटेक्स तैयार करें, सॉरी उस नाम को डालें। तो मैंने बोला कि भाई एक्सेप्ट दी वन लास्ट से लेफ्ट की तरफ आए और एक सेल्स वैल्यू डाल के उसका नाम डाल दें, ऑफसेट में अगली सेल में उसके नाम डाल दें ताकि अगली सेल में नाम डालना है यहाँ, ठीक है। फिर हमने यहाँ बोला कि मुझे जितना क्वेश्चन है उतना बार हमें लूप चलाना है, तो हमने लिखा 4i22 नीचे से ऊपर तक जाए और उसका रो नंबर दे दी। फिर यहाँ पे लिखा कि प्लीज एंटर वन ऑप्शन इन द बिलो, ये लिखा। अब मुझे इससे क्या है, इसका अगले वर्ड जो लिखना है इससे नीचे लिखना है, तो मैंने वी एन के साथ वी वी न्यू लाइन कर दिया, तो नया लाइन ऐड हो गया सेंटेंस में। फिर हमने यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमने यहाँ पे दे दिए कि ए पहली क्वेश्चन ऑप्शन, बी दूसरा ऑप्शन और सी तीसरा ऑप्शन, जो कि हमारे यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे अंटील डाला, बोला क्वेश्चन तो डालना ही पड़ेगा, तो हमने बोला कि भाई जब तक लूप लगाया कि जब तक ब्लैंक ना हो तब तक चले, और फिर हमने यहाँ पे किया ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स, हमने दिया सेल्स आई कॉमा टू डॉट वैल्यू, मतलब कि क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन एंड न्यू लाइन उनके ऑप्शन, समझ गया। और फिर यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया कि टाइटल का सीक्वेंस नंबर दे दिया, जैसे वो इसमें ए डालना है वैसे मैंने बोला कि सेल आई कॉमा आर डॉट वैल्यू, मतलब कि जिस कॉलम में नाम एंट्री हुआ है उसका हम यहाँ पे कॉलम नंबर भी ले रहे हैं, उस कॉलम में जाके वो रिजल्ट को टाइप कर देता है और फिर ए को ब्लैंक करता है ताकि लूप दोबारा से अपना प्रोसीजर को फॉलो करे। अब बताइए सर समझ में आया सर, वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन सर, जो ये व्हाट इज एक्सेल एक्सेल एक्सटेंशन आई कॉमा टू, क्योंकि दूसरा सेल्स आई कॉमा यहाँ पे सेल्स आई कॉमा कर दिया ना प्रॉम्प्ट में, अच्छा अच्छा ठीक है बहन जी। और कोई डाउट है किसी को सर? हेलो सर, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन के नीचे अगर हमें जैसे क्वेश्चन है उसके नीचे एक मतलब थोड़ा उसमें गैप देना है, जैसे वो तीनों एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं, तो क्या उनमें गैप बन सकता है बीच में? हाँ, टैब वीवी टैब से वीवी टैब गैप के लिए होता है सर, एक करके दिखा देंगे, एक करके या टैब नहीं दिख रहा, एक करके बता देंगे हमने, नहीं 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 पूरी लाइन के अंदर, लाइन के अंदर किसके अंदर आप डेटा एंटर करो सर, मैं बताता हूँ जैसे हमने रीता किया एंड ओके क्वेश्चन आया इसमें,
तो ये जो एक्सेल, हाँ जी ये सारा क्वेश्चन आ रहा है ना, व्हाट इज एक्सेल, इसके बाद में मेरे को एक ब्लैंक थोड़ी लाइन स्पेस चाहिए। हाँ तो एक और बीबीडी लाइन, एक और बीबीडी लाइन कर दीजिए। वो कहाँ पर इंसर्ट करनी होगी सर? जहाँ आपने एक इंसर्ट किया वहीं पे। वो एक बता दो सर, बाकी का फिर ट्राई करके देखें। यह ना हमारा, इसी को कॉपी करके, ठीक है? अब देखिए, ठीक है सर, आ गया। अब यहाँ पे ओम, ओ अब आ गया सर लाइन दो, गैप हो गया ना सर? हाँ जी सर, हमें नीचे वाले में डाल दिया था, तो नीचे वाले गैप देखिए ज्यादा है। हो जाएगा, कर लेंगे। अब इसी तरह से आप कंडीशन लगा के आप रिजल्ट भी देख सकते हो कि भाई कितना पास किया कितना फेल हुआ, और उस रिजल्ट को मैसेज बॉक्स के थ्रू आप शो भी कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है इनपुट लेने के। अब बात होती है कि क्या मैं इनपुट बॉक्स के जरिए क्या किसी रेंज का सिलेक्शन ले सकता हूं? जैसे मैं यहां पे सब्जेक्ट यहां करता हूं और यहां करता हूं कि आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर, मान लीजिए कि हमने बोल दिया इंटर एरिया। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको रन करूं, ये तो एक ही नाम के दो है, जब मैं इसको रन करूं तो रन करने के तो यहां पे मैं किसी एरिया को सेलेक्ट करूं, जिस एरिया को सेलेक्ट करूं उसको एज अ रेंज मान के नीचे जैसे कि पिवट टेबल हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहां फॉलो कर, या फिर फॉर्मूले वगैरह हो गए। एक तो है कि आप रेंज फिक्स कर देते हो या एरिया सेलेक्ट कर लेते हो। आपको मैंने बताया था फोर इच, तो फोर इच में आपने क्या किया था कि एरिया, जितना एरिया सेलेक्ट करते थे उतना ज्यादा था। अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी माइक्रो या फॉर्मूला या किसी स्टार्ट होने से पहले मैं एक एरिया देना चाहता हूं, जो एरिया मेरा सिलेक्ट होगा उसी पे हमारा फॉर्मूला या फंक्शन जो भी है वर्क करेगा। समझ गए? तो उसके लिए जैसे कि मैंने यहां पे कर देता हूं कि डिम आर एज ए रेंज, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूं सेट R इक्वल टू, अब इक्वल टू सेट क्यों दिया, क्योंकि रेंज है इसलिए रेंज पे सेट देना पड़ेगा। और यहां देंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट, वर्कशीट होना चाहिए, व्हाट इनपुट बॉक्स, माफ कीजिए, तो एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, यहां पे प्रॉम्प्ट हमें बोल देंगे कि सेलेक्ट रेंज, ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। उसके बाद टाइटल हो जाएगा रेंज, और डिफॉल्ट में हम दे देंगे सिलेक्शन डॉट एड्रेस। उसके बाद हम करें क्या करेंगे, जैसे कि हम कर देते हैं एम एस जी बॉक्स, यहां पे देते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, और सम में हम रेंज दे देते हैं आर। मैं
मैं सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट रिक्वायर एयर क्यों दिया हाँ, इसमें हमने टाइप तो दिया है, नॉर्मल टेक्स्ट ही समझ रहा है, लास्ट में आपका टाइप है। अब टाइप समझिए क्या है, अगर टाइप में मैं जीरो दूंगा इसका मतलब होता है कि वीवी ओके में हाँ जीरो दूंगा तो ये होगा फॉर्मूला नंबर होगा इस फॉर्मूला जो फॉर्मूला बार में तो फॉर्मूला ए दूंगा वन दूंगा तो नंबर टू दूंगा तो स्ट्रिंग फोर दूंगा तो ट्रू एंड फॉल्स एट दूंगा तो रेफरेंस कहलाएगा। तो यहां जीरो के जगह पे मैं करता हूं एट, तो एट के बाद क्या होगा तब समझ जाएगा कि इनपुट बॉक्स एक रेफरेंस है और वहां पे मुझे जो भी रेंज देंगे उस रेंज को ले लेगा। मतलब जब हम इसको रन करेंगे और जो भी एरिया हम सिलेक्ट करके ओके करेंगे उसका संभव। तो अगर आपको इस रेंज को आर जैसे हो लिया जिसको आप पिवट टेबल में हो चार्ट्स में हो कंडीशन मॉडलिंग में हो कॉपी पेस्ट करने में हो कुछ भी करने में हो अगर आप चाहते हैं कि रन करते समय यूजर से हम रेफरेंस ले रेंज ले जैसे कि जनरल हमारे जो फंक्शन वगैरह होते हैं वो लेते हैं जैसे फॉर्मूला लगाते हैं ना जैसे आप ये लगा रहे हो तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस देते हैं ना जैसे सिलेक्ट करते हैं तो रेफरेंस आता है। अगर इस तरह की फीचर्स करनी हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेथड को। और इसकी डिटेल्स देखने के लिए आप पेज नंबर 428 जो बुक है उसमें देख सकते हो। क्लियर है सर? जी सर। रजनीकांत जी रजनीकांत जी समझ में आया आपको? ज्यादा नहीं समझ में आया सर। कहाँ ज्यादा समझ में बताइए आप बोलिए तो सही। कहाँ से कॉमा कॉमा जो लगाया है सर ये थोड़ा बताइएगा ये मिस कर गया मैं। एक कॉमा बेसिकली इसमें और भी तो चीजें है ना डिफॉल्ट ये सब मुझे नहीं देना है मुझे सिर्फ टाइप देना है तो मुझे इन सबों को स्किप करने के लिए कॉमा लगाना पड़ा। अच्छा 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 समझा समझा वो मैं मिस कर गया था सर। ठीक है सर। तो आठ हमने क्यों दिया? अरे हाँ सर ये तो पूछा ही नहीं मैंने। हाँ सर ये क्यों दिया? अब क्वेश्चन नहीं मुझे पूछना होता है जवाब मुझे देना होता है। सर क्या है कि हमने इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम ना लगाएंगे तो डिफॉल्ट इनपुट बॉक्स जो हमारा नॉर्मल इनपुट बॉक्स है जो कि टेक्स्ट को रिसीव करता है वो रह जाएगा ना और रेफरेंस रेंज तो नहीं बनेगा ना। तो हमने आठ नंबर दिया इनपुट बॉक्स का टाइप तो आठ नंबर जो होता है इसका लिस्ट में आप पेज नंबर 428 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें दिया हुआ है कि अगर हम टाइप में आठ देते हैं तो इनपुट बॉक्स अपनी प्रॉपर्टी टेक्स्ट से चेंज करके रेफरेंस कर लेती है मतलब कि रेंज कर लेती है। ओके सर। ठीक है ठीक सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब बात करते हैं मैसेज बॉक्स की। मैसेज बॉक्स की बात करें मैसेज बॉक्स को ध्यान से देखिएगा और मैं फिर इस पे आपको एक क्वेश्चन दूंगा। मैसेज बॉक्स जिसे कि आप मैसेज बॉक्स में कुछ भी चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे कि यहां पे हम देते हैं कि फोर नहीं लगाते हैं कि MSG बॉक्स और यहां हमने दे दिया कि प्लीज एंटर कुछ भी लिखना चाहते हो जैसे प्लीज एंटर करें यहाँ पे कुछ शो करना चाहते हो जैसे कि हमने शो कर दिया थैंक्स या कुछ शो करना चाहते हो
तो कर सकते हो। तो इसमें भी देखिए बटन है, जैसे कि अगर आपको फाइल से क्लोज करवाना, जैसे कि इसी में देखिए मैं चाहता हूं कि भाई आगे मतलब कि गलती से रन ना हो, मुझसे मुझसे पूछे कि क्या डू वांट टू एंटर द टेस्ट, तो हम यहाँ पे डालेंगे m इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देंगे कि डू यू वांट टू एंटर टेस्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमारे पास बटन है, तो बटन क्या देना चाहते हो, यस एंड नो क्या? तो मैंने यस एंड नो कर दिया, यस एंड नो कर दिया, तो और इसमें टाइटल है, टाइटल में कर दिया कंफर्म। तो जैसे कि आप अगर कोई फाइल क्लोज करते हैं, जैसे फाइल क्लोज करते हैं तो ये आपसे परफॉर्म पूछता है ना कि सेव डॉन्ट सेव करते हो, इसी तरीके से अब मैं अभी इस मैक्रो को मैं फिलहाल यहाँ पे मैक्रो ब्रेकर लगा देता हूँ, एंड कर दिया तो मैक्रो नीचे कोड नहीं चलेगा, ऊपर तक ही कोड रहेगा। तो ये आ गया कि डू वांट टू एंटर द टेस्ट, अगर मैं नो पे क्लिक करूंगा तो जो एम है उस पे हो जाएगा वीवी नो सेव, और यस पे क्लिक करूंगा तो हो जाएगा वीवी यस। यस पे क्लिक किया मतलब कि एम का मान है वीवी यस, समझे? तो मैं इसको कंडीशन में रखना चाहता हूं, तो कंडीशन दे सकते कि इफ एम इक्वल टू वीवी यस दैन, वीवी नो का तो एंड कर देना उल्टा करना है, वीवी नो दैन एग्जिट सब एंड। ठीक है, अब वो यस पे क्लिक करेगा तो नीचे बढ़ेगा, नो पे क्लिक करेगा तो मैक्रो को एग्जिट कर दिया जाएगा। ये हमारा मैसेज बॉक्स का। सर ये एग्जिट एग्जिट सब क्या है यहाँ पर नीचे क्यों लिखा है? मतलब कि जो सब्जेक्ट है इसको एग्जिट करो, इसको वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, दोबारा बंद कर देगा उसको। हाँ, जैसे मैंने इसको प्ले किया और मैंने नो पे क्लिक किया तो आगे प्रोसीजर नहीं फॉलो करने देगा, अब मैं यस पे क्लिक किया तो फिर नीचे के प्रोसीजर को फॉलो करने देगा। इसी में आपका आता है वीवी ओके, वीवी कैंसल, वीवी अबॉर्ट, वीवी इग्नोर, वीवी यस, वीवी नो, जो भी होता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें अब एक चीज और भी होता है, जब हम प्ले करते हैं तो ये नॉर्मल देता है ना, क्या सर? अब इसमें एक चीज और भी है कि अगर मैं वीवी नो पे मैं प्लस करूं, ये देखिए वीवी क्रिटिकल, तो क्या होगा कि जब हम इसको प्ले करेंगे तो एक साउंड आएगा और इस तरह का निशान आएगा, समझ गए? अगर मैं क्रिटिकल के जगह पे प्लस करूं क्वेश्चन, वीवी क्वेश्चन, तो क्या होगा? यहां पे क्वेश्चन का निशान आएगा और साउंड नहीं करेगा, समझ गए? और इसी के जगह पे मैं करता हूं प्लस VV information, तो ये आई का सिंबल आएगा और आवाज करेगा। लेकिन मैं जब मान लीजिए कि मैं VV क्वेश्चन कर रहा हूं, VV क्वेश्चन कर रहा हूं, VV क्वेश्चन में आपने देखा है कोई साउंड नहीं आया, इस पर प्लस आपको बीप होता है शायद, VV बीप कुछ होता है इसमें, फिर नहीं है, नहीं उसमें बीप का अलग होता है, बीबी सिक्स होता है, समझ गया सर? हेलो रजनीकांत जी, सुन पाया? सर हाँ सर, एक चीज मेरे का दिमाग में था सर, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था सर, कि मैसेज बॉक्स जो हम लोग यूज कर रहे थे कि एक बार एक मैक्रो जो रन किया सर, ठीक सर, तो उसका एक बार मैसेज आए, मतलब लूप चल रहा है सर मैक्रो के अंदर, ठीक सर, और अगर एरर आए तो मैसेज दे, ठीक, बार बार मैसेज न दे। मानिए सर एक लूप के अंदर 50 एरर आई तो 50 बार मैसेज बॉक्स ना आए,
बल्कि लूप कंप्लीट होने के बाद में एरर आए, अरे सॉरी मैसेज बॉक्स आए। तो ये ऐसा कुछ मैसेज बॉक्स में कर सकते हैं सर? लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे सर, कुछ दिक्कत आ रही थी। कौन सी बड़ी बात है इसके लिए? जैसे कि आप यहाँ पे क्या करो कि स्टार्टिंग में करे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद नीचे जो है आप कंडीशन दो कि इफ ई एरर इज ग्रेटर देन जीरो देन एमएसजी बॉक्स योर कोड हैव एरर। अब जैसे सर हमारे इस मैक्रो में कम से कम 25 क्या कहते हैं इफ कंडीशन है, सपोज दैट नहीं तो और मुझे क्या कहते हैं 25 काउंट नहीं करेगा सर, मैं सुन नहीं पाया क्या बोला आपने? काउंट नहीं करेगा, मैं ये कह रहा काम नहीं करेगा, काउंट नहीं करेगा कि कितने एरर आए हैं, ये बता देगा कि हाँ इस कोड में एरर आए थे तो ऑन एरर इग्नोर नेक्स्ट में इस कोड। हाँ वही वही मैं वही कह रहा हूँ सर कि सपोज दैट 25 लूप है इफ के या फॉर के और हमारे आखिरी में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि फलाने इफ में क्या कहते हैं ये इधर आया था तो मैसेज बॉक्स से, अगर इधर नहीं आया था फलाने इफ में तो इधर नहीं दिखाए, नहीं आ कर सकते ऐसा सर, ऐसा नहीं पॉसिबल है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पीवी हम लोग सी प्लस प्लस में जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे, सॉरी कंपाइल करते थे, एग्जीक्यूट नहीं कंपाइल करते थे, तो जिस जिस लाइन में एरर होता था उस लाइन का एरर कोड देता था, लेकिन इसमें आपके साथ ऐसा नहीं है। अब जैसे सपोज दैट मतलब ये इस चीज को प्रैक्टिकली मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी सर समझाना चाह रहा हूँ, सर क्या कहते हैं डाटा शीट है कि हमें यूजर से इनपुट लेना है। बात समझ गया, आप ये चाहते हो कि आपका माइक्रो रन हुआ और आपके माइक्रो में मान लीजिए 20 जगह पे एरर आया, तो 20 जगह का एरर बताना चाहते हो ना कि कहां-कहां एरर आया है। हाँ सर, ये चीज आप नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो कि आप 20 बार जो एरर आता है तो 20 बार जो डिबग का ऑप्शन आता है उसको इग्नोर करके लास्ट में एक बार कंफर्म करना चाहते हो कि हाँ एरर था, ये आप कर सकते हो। एरर कहाँ था, क्या था, कितना बार था, इसकी काउंटिंग आप नहीं रख सकते। और इसका थ्योरी नहीं कह रहा है कि तो हम मैं आपको बताऊं कि मैं रिसर्च कर सकता हूँ, मेरी जो थ्योरी है वो थ्योरी कह रही है दिस इज नॉट पॉसिबल। और आगे आप लोग रिसर्च कीजिए, कुछ ऐसा मिला तो मुझे बोलिएगा, ठीक समझ गए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शुरुआती दौर में ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट किया, मतलब कि सारे एरर को इग्नोर करेगा, जैसे कोई एरर आएगा तो जो हमारा फॉर्मूला है ई डबल आर, ठीक है ना, ई डबल आर क्या करता है कि एरर अगर कोई आया तो अपने अंदर कोई एक पर्टिकुलर एरर कोड को रिजर्व कर लेता है, बात समझे। तो अगर इस पे जीरो नहीं है, कोई एरर कोड है, मतलब कि इस मैक्रो में एरर था, बात समझिए सर। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर मान लो 25 बार एरर हुआ तो 25 बार अपने आप को रिप्लेस करेगा, 25ों का स्टोर नहीं करेगा। अगर 25ों स्टोर करता तो आप ले सकते हो, फिर वो एरर कोड ही देता, कहां का एरर है ये नहीं देता, आपको हर लाइन पे एरर इसका इस एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, समझे। इसलिए मैंने बोला कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्लियर है। अब प्रोजेक्ट को समझिए, अभी मैंने आपको मैसेज बॉक्स दिया, मैसेज बॉक्स में हमने जो है बताया कि किस तरह से मैसेज को हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के हम बटन वगैरह देंगे, ये चीज हमने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे पूरा का पूरा एक टेबल, जैसे कि एक डेटा है हमारा, पूरा का पूरा डेटा जो है उसको मुझे सेम सीक्वेंस में सेम तरीके से शो करना है मैसेज बॉक्स में। तो कैसे करेंगे, इसकी फॉर्म इसकी कोडिंग बना के आप मुझे एक घंटे में भेजिए, समझ गए। शीट टू पे क्वेश्चन दोबारा समझिए, शीट टू पे हमारा एक डेटा टेबल है जिसमें करीब 5-7 रो और 20-25
बीस पच्चीस रो एंड 5-7 कॉलम है, मुझे इस पूरे डेटा को सेम सीक्वेंस में सेम तरीके से शो करना है किस पे, मैसेज बॉक्स पे। हो जाएगा सर आप लोगों से, आप लोग ट्राई करें। रेफरेंस के लिए बुक जो मैंने बोला है उसमें दिया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे करके अभी फटाफट भेजिए, ठीक है सर। फिर हम अगली क्लास से यूजर फॉर्म, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे डायरेक्टरी ब्राउज बटन कैसे बनाएंगे। क्या बताएंगे सर? ब्राउज बटन। सर एक क्वेश्चन था सर, वगैरह कनेक्टिविटी वगैरह आप करोगे कि कैसे कि मेल करने का कोड बनाओगे, तो मेल में अटैचमेंट तो आपको अटैच करना पड़ेगा ना, कॉपी एंड मूव का करना चाहते हो तो उसमें आप, या फिर मान लीजिए कि आप चाहते हो कि एक फोल्डर का पूरा डेटा को कॉपी पेस्ट करे एक सीट के अंदर, एक फोल्डर में जितनी भी फाइल है, तो बार बार फोल्डर का पाथ आपको देना पड़ रहा है। आप एक ब्राउज बटन बना दो कि उस पर क्लिक करे, फोल्डर सेलेक्ट करे, जो फोल्डर का पाथ दे वही फोल्डर के एरिया सेलेक्ट करे, वो डेटा को कॉपी पेस्ट करे सारे फाइल। तो फाइल एंड फोल्डर डायरेक्टरी हम आपको बताएंगे। कोई कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे सर? सर मेरा क्वेश्चन था एक, वो क्लास के बाद ले लेता हूँ या तो। नहीं पूछे पूछे, क्लास तो मेरी टॉपिक खत्म हो गई है, बाकी आपकी होमवर्क है, होमवर्क के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था, जैसे जब यूजर फॉर्म जो आप कराएंगे, जैसे डेटा एंट्री होती है, तो कुछ उसमें आप ये कराएंगे कि हम सीक्वल से कनेक्ट कर सके उसका जो डेटा जो इनपुट आ रहा है सीधा सीक्वल में चला जाए, सीक्वल लाइट में चला जाए कहीं पे? सर्वर से तो मैं नहीं कराता था, लेकिन आप बोलोगे तो करा दूंगा, लेकिन एक्सेस से कराता हूँ। अच्छा, क्योंकि सीक्वल से हर किसी के पास नहीं ना होता है, इसलिए उसकी एग्जांपल दे दूंगा, बच्चे प्रैक्टिस ना करे तो खामा खा उनका टाइम अपना एनर्जी वेस्ट होता है ना सर। तो सर वैसे होता है ये, जैसे एक्सेल में डाटा एंट्री करी, एक्सेल में जाएगा तो सीक्वेंस में क्यों नहीं जाएगा? हम ओरेकल में तो भेजा था एक बार, जाता है कि नहीं जाता? अच्छा ठीक है, ठीक है सर। एडीओ कनेक्टिविटी का आता है वो, हां एडीओ कनेक्टिविटी बताया। अच्छा, तो हो जाता सर सीधा? हमने बताया था कि हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाई थी एक्सेल की, जो कि जिसका लॉगिन डिटेल जो था वो एक्सेल में, वो जब भी वो यूजर नेम और पासवर्ड डालता था वो एक्सेस डेटाबेस को फाइंड करता था, उसमें देखता था कि लॉगिन पासवर्ड सही है तो लॉगिन करने देता, तब फाइल खोलने देता था, अदरवाइज फाइल को क्लोज कर देता। अच्छा, ऐसे में फॉर्म बनाया था कि फॉर्म पे हमने डेटा भरा, सबमिट किया, तो डेटा एक्सेल में सेव नहीं हुआ, एक्सेस में जाके सेव। अच्छा, सीधा एक्सेस में सेव हो जाएगा, और वो डेटा एंट्री सारी एक्सेल में ही कर रहा है वो? हाँ, यूजर फॉर्म में, यूजर फॉर्म है, नॉर्मल एक्सेल कोई भी है, ये हम करेंगे, आगे का टॉपिक है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक्स, ओके ओके बाय। अभी भेजिए मुझे क्वेश्चंस। हाँ जी सर।